दोस्तों आज T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीम एक दूसरे के आमने सामने थी। दोस्तों दोनों ही टीम के लिए आज का मुकाबला करो या मरो का था, क्योंकि दोनों ही टीम एक दूसरे कुचलकर फाइनल में पहुंचना चाहती थी। इसलिए दोस्तों आज का मुकाबला बेहद ज्यादा कांटेदार का मुकाबला होने वाला था। दोनों ही टीम फाइनल में पहुंचने के लिए अपनी पूरी जी जान झोंक दी थी। जी हां दोस्तों, यह मुकाबला बेहद ही कांटेदार का मुकाबला देखने को मिला। दोस्तों इस रोमांचक और महामुकाबले की शुरुआत अफगानिस्तान टीम के कप्तान राशिद खान के टॉस जीतने के साथ हुआ था। तब दोस्तों अफगानिस्तान कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर इस सेमीफाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि उसे पिछले दोनों मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करके ही जीत मिला था। इसलिए दोस्तों आज भी अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं दोस्तों फिर इसके बाद जब टॉस जीतकर अफगानिस्तान की टीम जब साउथ अफ्रीका के सामने इस सेमीफाइनल मुकाबले में एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आई, तब दोस्तों अफगानिस्तान टीम के तरफ से ओपनिंग में रहमतुल्ला गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान बल्लेबाजी करने आए थे। तो ही दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से पहला ओवर गेंदबाजी में मार्को जॉनसन गेंदबाजी करने आए थे। तब दोस्तों मार्को जॉनसन ने अपने टीम के लिए बेहद ही शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने अंतिम गेंद पर रहमतुल्ला गुरबाज को स्लिप में कैच आउट करवा दिया और दोस्तों अफगानिस्तान टीम को पहले ही ओवर में बेहद ही बड़ा झटका लग गया। आपको बता दें कि रहमतुल्ला गुरबाज खाता भी नहीं खोल सके और आउट हो गए। दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले ही ओवर में अफगानिस्तान टीम का विकेट लेकर शानदार शुरुआत कर लिया था। आपको बता दें कि पहले ओवर में अफगानिस्तान टीम का स्कोर सिर्फ 5 रन बना था। वहीं दोस्तों फिर इसके बाद जब साउथ अफ्रीका की तरफ से दूसरा ओवर जब गेंदबाजी में केशव महाराज जब गेंदबाजी करने आए थे, तब दोस्तों गुलबदीन नाइब ने मैदान पर आते साथ ही उनकी पहली गेंद को शानदार कवर ड्राइव करके चौका जड़ दिया था। आपको बता दें कि केशव महाराज ने अपने ओवर में 6 रन दिए थे और दोस्तों 2 ओवर खेल में अफगानिस्तान टीम का स्कोर 11 रन बना था। वहीं दोस्तों फिर इसके बाद जब साउथ अफ्रीका की तरफ से तीसरा ओवर जब गेंदबाजी में फिर से मार्को जॉनसन जब गेंदबाजी करने आए थे, तब दोस्तों मार्को जॉनसन ने अपने टीम के लिए एक बार फिर से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अपनी तीसरी गेंद पर गुलबदीन नाइब को क्लीन बोल्ड करके अफगानिस्तान की टीम में सुनामी हिला दिया। आपको बता दें कि गुलबदीन नाइब सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों शुरुआत में 2 विकेट गिराकर अफगानिस्तान की टीम अब साउथ अफ्रीका के सामने बेहद ज्यादा बेबस नजर आ रही थी। अब दोस्तों ऐसे में अफगानिस्तान टीम की पारी को संभालने के लिए अजमतुल्ला उमरजाई बल्लेबाजी करने आए थे। दोस्तों आज इस सेमीफाइनल के मुकाबले में साउथ अफ्रीका के गेंदबाज आग उगल रहे थे। आप साउथ अफ्रीका की खतरनाक और तूफानी गेंदबाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से तीसरा ओवर गेंदबाजी करने आए कागिसो रबाड़ा ने अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को पूरी तरह से खदेड़ कर ही रख दिया। जी हां दोस्तों, कागिसो रबाड़ा ने सबसे पहले इब्राहिम जादरान को क्लीन बोल्ड कर दिया। तो इब्राहिम जादरान के बाद बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद नबी को तो कागिसो रबाड़ा ने खाता भी नहीं खोलने दिया और उन्हें भी क्लीन बोल्ड करके अफगानिस्तान की टीम की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ 3 ओवर खेल में 20 रन पर अफगानिस्तान की टीम ने अपने 4 बड़े विकेट गिरा दिए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बड़े मुकाबले में आज साउथ अफ्रीका की टीम के गेंदबाज कितना ज्यादा आग उगल रहे थे। अब दोस्तों अफगानिस्तान टीम के तो 4 विकेट गिर गए थे, ऐसे में अब उनकी पारी को संभालने की सारी जिम्मेदारी रंगले खरीटे और अजमतुल्ला उमरजाई के कंधों पर थी। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान टीम की घटिया बल्लेबाजी यहीं पर नहीं रुका। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका की तरफ से 5 ओवर गेंदबाजी करने आए मार्को जॉनसन ने एक बार फिर से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए खराटे को विकेटकीपर के हाथों कैच करवा दिया। आपको बता दें कि नागले खराटे सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए और दोस्तों अफगानिस्तान की टीम सिर्फ 23 रन पर अपने 5 बड़े विकेट गिराकर अफगानिस्तान टीम की पूरी तरह से बेंड बज गया। दोस्तों इसके बाद तो कोई भी अफगानिस्तान का बल्लेबाज अफ्रीका की खतरनाक गेंदबाजी के सामने नहीं टिक सका। जी हां दोस्तों, और अफगानिस्तान की टीम सिर्फ 11 ओवर और 5 गेंद खेलकर ऑल आउट हो गई और सिर्फ 56 रन ही बना पाई। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा अजमतुल्ला उमरजाई ने 10 रन बनाए थे। इसके बाद कोई बल्लेबाज इससे ज्यादा रन नहीं बना पाया। तो वही दोस्तों इसके बाद फिर क्या था, इस बेहद छोटे से लक्ष्य को साउथ अफ्रीका की टीम ने बड़ी आसानी से बना लिया और फाइनल में पहुंच गई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आज का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कौन जीतेगा, भारत या इंग्लैंड? कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर बताएं। जय हिंद।